रहेगा ना, आप लोग के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि भैया पीडब्ल्यू का जो उड़ान रिलोडेड बैच है और यहाँ पे नेक्स्ट टॉपर का जो है यहाँ पे जो आरंभ 2.0 बैचेस है, इन दोनों बैचेस में से मुझे कौन सा बैच इनरोल करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक यहाँ पे डिटेल कंपेरिजन वीडियो बनाई जाए। और ये कंपेरिजन वीडियो जो है यहाँ पे कोई छोटी मोटी बनाना नहीं था, मुझे बनाना था यहाँ पे एकदम कंप्लीट पूरा डिटेल यहाँ पे क्लियर करके बताया जाए कि कौन सा बैच आपके लिए यहाँ पे रियली में वर्थ इट है और जिसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए 2025 के एग्जाम को तैयारी करने के लिए। तो इसके लिए जो है मुझे पहले यहाँ पे 1 वीक का जो है यहाँ पर जो है इन दोनों बैचेस का जो है पार्ट बनना था, सो मैंने यहाँ पे बना। और उसके बाद जो है अब मैं ये जान चुका हूं कि ये दोनों बैचेस में से आपको कौन सा बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये दोनों ही पेड बैचेस हैं, तो ये दोनों पेड बैचेस में से कौन सा आपके लिए वर्थ इट होने वाला है, तो आज जो है पूरा डिटेल कंपेरिजन यहाँ पे करने वाले हैं। आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कौन से बैचेस का ऑलरेडी आप लोग हिस्सा है और कौन से बैचेस में आपको इनरोल करना है, वो वीडियो के आखिर तक जो है क्लियर आपको यहाँ पे हो रहा होगा। तो प्यास हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पे आता रहता है। तो जल्दी से हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करें, पहला कंपेरिजन हम यहाँ पे करेंगे। दोनों आप लोग जो है दोनों साइड देखिएगा, तो उड़ान रिलोडेड बैचेस का जो प्राइजेस होने वाला है वो यहाँ पे 1399। वहीं पे आरंभ बैच की बात करें तो ये आपको जो है 1999 में मिलता है, तो प्राइस यहाँ पे जो है आरंभ का आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे और भी हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल में कंपेरिजन करेंगे, सारी चीजें यहाँ पे बात करेंगे। तो पीडब्ल्यू जो है यहाँ पर आपको 12 क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं आपको पर वीक, वहीं पे आरंभ आपको ओनली 7 क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्लासेस आपको ज्यादा जो है यहाँ पे पीडब्ल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। और भी यहाँ पे बात करें तो लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती है, दोनों ही जगह मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे दोनों जगह सेम सिमिलरली आपको दो दो क्लासेस, आपको हर रोज जो है दो दो क्लासेस आपको लाइव यहाँ पे मिलने वाला है दोनों बैचेस में, जिस बैच में भी आप लोग जाएंगे। तो वहीं पे अगेन जो है यहाँ पे तीसरा यहाँ पे डिटेल कंपेरिजन देखें तो क्लासेस का जो यहाँ पे टाइमिंग है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। यहाँ पे जैसे पीडब्ल्यू में देखें तो पीडब्ल्यू में जो क्लासेस है इवनिंग में 5 बजे से क्लासेस इनकी जो स्टार्ट होती है, वो जाके पहली क्लास जो यहाँ पे स्टार्ट होगी 5 बजे से लेकर 6:45 तक, यानी कि टोटल 105 मिनट की एक क्लास आपको यहाँ पे मिलती है। और सिमिलरली दूसरा टाइमिंग जो है यहाँ पे 7 बजे से लेकर सेम दूसरा क्लास भी जो आपको मिलेगा वो 105 मिनट का मिलेगा। वहीं पे आरंभ में बात करें तो आरंभ में जो है यहाँ पे आपको क्लासेस सेम 5 बजे आपको पहली क्लासेस मिल जाती है, और यहाँ पे जो टाइमिंग है 5 बजे से लेकर 6:30 तक, यानी टोटल 90 मिनट की क्लास यहाँ पे आपको मिलती है, यहाँ पे आपको 105 मिनट मिलती है। तो ये जो है पहला कंपेरिजन, यानी कि एक और बड़ा चेंज आपको मिलता है दोनों बैचेस में। तो पीडब्ल्यू यहाँ पे आपको जो है 15 मिनट आप लोग कह सकते हैं 15 मिनट एक्स्ट्रा क्लासेस जो है आपको टाइमिंग जो है हर एक क्लास में आपको पीडब्ल्यू प्रोवाइड करा रहे हैं। अनदर जो यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज है, इस वक्त आप लोग ऐसे स्टेज पे खड़े हैं जहां से बोर्ड एग्जाम आपका ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में आपको अभी एक ऐसा बैच चाहिए, अभी आपको एक ऐसा बैच चाहिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको तैयारी करा दे। तो ऐसे में जो है यहाँ पर एक और बड़ा जो कंपेरिजन देखेंगे तो यहाँ पे पीडब्ल्यू का जो बैच है ये आपको 25 सितंबर से यहाँ पे आपका जो है ये बैच जो है यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे स्टार्ट होगा, और 31 मार्च तक जो है ये आपका जो है पूरा कंप्लीट बैच यहाँ पे चलने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड साइड में बात करें तो ये ऑलरेडी 10 मार्च से ही जो है इनका आरंभ वाला बैच स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में आपका जो है अभी कुछ खास नहीं हुआ है बोर्ड एग्जाम में और आप अभी एकदम जीरो है और आप लोग एकदम जीरो से ही आपको पढ़ाई चाहिए, आप लोग अभी एकदम जीरो से ही पढ़ाई करनी है। तो ऐसे में जो है पीडब्ल्यू यहाँ पे जो है आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पे एडवांटेज आपको प्रोवाइड कराएंगे क्योंकि ये 25 तारीख से ही जो है यहाँ पे आपका सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं और ये ऑलरेडी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और ये 29 अप्रैल तक जो है यहाँ पर आपका ये बैचेस आपको मिलता है। तो ये पूरा कंप्लीट जो है यहाँ पर आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर क्या जो है बेटर लगता है। सिलेबस एंड की बात करें तो यहाँ पे जो पीडब्ल्यू का जो आपका जो यहाँ पे उड़ान जो रिलोडेड बैचेस होने वाला है इसका सिलेबस आपको जो है 31 जनवरी तक आपको यहाँ पे एंड करवा देंगे। तो इनका कमिटमेंट जो है 31 जनवरी तक जो है सिलेबस को एंड करवाना है और इनका जो है यहाँ पे क्योंकि बैच आपको ऑलरेडी मार्च से ही स्टार्टेड है तो ये बैच जो है आपको 30 नवंबर को जो है यहाँ पे सिलेबस को एंड करवा रहे हैं। तो ये चीजें जो है आपको अकॉर्डिंग देखना होगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे आपको देखना होगा कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस लेवल की है, कहां पर है, कि आपको जीरो से यहाँ पे एकदम शुरुआत करना है तो शुरुआत करना है तो पीडब्ल्यू के तरफ, और आपको जो है आपको ऐसा लगता है कि मुझे शुरुआत नहीं करना, मैं ऑलरेडी शुरुआत कर चुका हूं और मैं जो है आगे बढ़ चुका हूं, मुझे जो है अब यहां से जो है यानी कि आप जहां पर भी हैं जहां के सिलेबस का मिड में हो सकते हैं या फिर जो है स्टार्टिंग के आपको 5-6 चैप्टर अच्छी तरीके से आ गए हैं, अब आपको जो है आखिरी के जो है यहां पे 8-9 चैप्टर 10 चैप्टर आपके बाकी है, तो उसके लिए जो है आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे दोनों बैचेस में जा सकते हैं। और रिकॉर्डेड क्लासेस मैंने आपको बताया दोनों जगह आपको मिलता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करें यानी सब्जेक्ट बात करें तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको जो है इन पेड बैचेस में आपको कवर अप मिलता है ये प्राइस पॉइंट में जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहां पे ऑलमोस्ट आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है यहां पे दोनों ही इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहां पे एक सब्जेक्ट आपको यहां पे छोड़ दिया जाएगा या एक सब्जेक्ट इस बैच में छोड़ दिया जाएगा, दोनों ही बैचेस में आप एनरोल करेंगे तो पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है आपको दोनों ही बैचेस में करवाए जाने वाला है। तो एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक चीज जरूरी होता है कि साथ में आप
आपको जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलता रहे, आपको जो है टेस्ट वगैरह होते रहे, तो इसके रिगार्डिंग जो है इन दोनों बैचेस में क्या फर्क है, तो यहाँ पे देखेंगे। तो आपका जो पीडब्ल्यू है ये आपको डेली देते हैं, यानी डेली ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देंगे। वहीं पे आरंभ बैचेस में बात करें तो यहाँ पे वीकली मिलता है। तो ये चीजें जो है थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक बड़ा मेजर चेंज आ जाता है आपका। यहाँ पे वीकली क्वेश्चन मिलने वाला है जहां पर, और यहाँ पे आपको डेली ही क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये एक बड़ा चेंज आएगा जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज और भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्लास नोट्स की बात करें, क्योंकि क्लास रेगुलर यहाँ पे लाइव होने वाली है दोनों ही बैचेस में, तो नोट्स भी आपको जो है हर एक क्लासेस का आपको रोज ही मिल जाएगा, यानी कि ईच क्लासेस का जो है आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ये चीज जो है सिमिलर आपको यहाँ पे दोनों ही जगह मिल जाता है। और एक चीज जो है टेस्ट की बात कर रहे थे, तो वीकली टेस्ट जो है वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, यानी वीकली टेस्ट आपका होगा उसका पूरा कंप्लीट वीडियो में सॉल्यूशंस, ये आपको पीडब्ल्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो ये जो है प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे पीडब्ल्यू में मिलेगा। और यहाँ पे जो है टेस्ट के बारे में ऐसा कुछ यहाँ पे कोई शेड्यूल नहीं है, यानी ये जब डिसाइड करेंगे कि टेस्ट लेना है तभी शेड्यूल होगा। तो इनका कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है कि हर वीक में टेस्ट लेना ही है, और इनका जो है पीडब्ल्यू का यहाँ पे डिसाइडेड है कि हर वीक यानी कि वीकली जो है आपका एक यहाँ पे टेस्ट होगा ही होगा। तो ये जो है आप लोग जो है यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और भी यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आप लोग जो है शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पर भी टेस्ट लेंगे ये, लेकिन आपका जो है ये जो शेड्यूल डिसाइड करेंगे जिसके अकॉर्डिंग, तो उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे कोई चीजें फिक्स नहीं है, यहाँ पे चीजें फिक्स मिल जाती है। एक चीज और भी आप लोग देखेंगे, ये जो आप लोग कोर्स इनरोल करेंगे, ये कोर्स का एक्सेस आपको कब तक मिलेगा, जून तक का एक्सेस जो है आपको यहाँ पे पीडब्ल्यू प्रोवाइड कराएंगे, यानी बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद भी जो है एक्सेस आपके पास होगा कि आप अपनी क्लासेस को यहाँ पे, यानी कि आपका जो पूरा यहाँ पे कंप्लीट जो टेंथ का आपको जो यहाँ पे पूरी क्लास आपकी होगी, स्टडी मटेरियल होगा, नोट्स होगा, उसको आप जो है जून तक एक्सेस कर पाएंगे। और वहां पर जो है आरंभ में बात करें तो केवल बोर्ड एग्जाम तक आपको एक्सेस मिलेगा, बोर्ड के बाद जो है वो सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये चीजें देख सकते हैं। एक प्लस पॉइंट जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ये प्लस पॉइंट जो है यहाँ पे है। अब ये प्लस पॉइंट को आपको भी यहाँ पे मानना पड़ेगा, और जब आप बैच में इनरोल करेंगे तो ये चीजों को पहले कंसीडर करिएगा, ये नंबर वन पे जो है आपको कंसीडर करना है। ये दोनों ही बैचेस मैं आपको दिखा दूं, पीडब्ल्यू जो है यहाँ पे आपको पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम के फील्ड में आपके जो है यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनके टीचर्स काफी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर है, और इंडिया के टॉप जो यहाँ पे टीचर्स है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि आपको पता होगा पीडब्ल्यू है अलग सर, तो आप लोग जानते ही है ना, तो वो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स के लिए वो कितना कुछ करते हैं, तो वो चीजें जो है यहाँ पे इस बात से पता लगता है कि यहाँ पे जितने भी आप लोग टीचर्स देखने वाले हैं वो आपको यहाँ पे टॉप लेवल टीचर्स मिलने वाले हैं। और जितने भी टीचर्स आपको मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग टीचर्स मिलने वाले हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होंगे ना वही आपको पढ़ा रहे होंगे। तो आपको जो यहाँ पे पढ़ाई मिलेगी वो थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल जो है आपको पढ़ाई मिल जाएगी, और एक एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बोलता है, तो एक्सपीरियंस आपको बोल रहा होगा, ये चीजों को जो समझा रहे होंगे, ये जो टॉपिक्स को समझाने का जो इनका तरीका होगा वो एक नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस फील्ड में काफी दिनों से पढ़ा रहे हैं, वो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, तो वो जो है एक्सपर्ट्स लेवल की जो है पढ़ाई आपको यहाँ पे पीडब्ल्यू देते हैं। और क्योंकि यहाँ पे आरंभ में आप लोग जानते ही हैं, आरंभ जो है ये तीनों ही यहाँ पे जो है तीनों को आप लोग जानते ही होंगे, ये तीनों यूट्यूबर हैं, आप सभी के प्यारे भैया हैं, तो इनके जो है आप लोग जो है देख सकते हैं, इनके पास भी ऐसा नहीं कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास भी काफी अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस है, इनके पास भी पढ़ाने का काफी अच्छा तरीका है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपको किनसे समझ में आ रहा है, अगर इनसे समझ में आ रहा है तो आप लोग को मैंने कंपैरिजन दिखा दिया, इनसे समझ में आएगा तो इसके लिए कंपैरिजन दिखाया। एक और जो बड़ा जो है यहाँ पे मेजर चेंज आपको लगा, और शायद ये आपको जो है मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा, ये चीज जो है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करी जब मैं इन बैचेस में यहाँ पे वन वीक तक लगातार जो है एक्सपीरियंस कर रहा था, तो आपको भी जो है ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो है क्या होगा कि अगर पीडब्ल्यू के आप बैचेस में इनरोल करते हैं तो आप जो है किस बैच में इनरोल करेंगे, आप इनरोल करेंगे उड़ान रिलोडेड 2025 बैच में। लेकिन साथ में आपको क्या मिल रहा होगा, तो साथ में यहाँ पे आप लोग जो है क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, साथ में आपको मिल रहा होगा उड़ान 1.0, उड़ान 2.0, उड़ान 3.0, उड़ान 2024। तो ये जितने भी बैचेस है ना, ये देख सकते हैं, ये जितने भी बैचेस है ना, उड़ान 2.0 2025, उड़ान 3.0 2025, उड़ान 2024, उड़ान 2025, तो ये जितने भी बैचेस है ना, इनका जो है आपको फ्री में एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो यानी कि आप अपना बैच तो पढ़ ही रहे होंगे, अपने बैच से पढ़ाई तो करेंगे ही आप लोग, साथ में इन बैचेस का भी एक्सेस मिल जाएगा। तो यहां पर भी आप लोग जो है चीजों को देख सकते हैं, यहां पर भी जो है आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, यहां पर जो है आपको कोई भी प्रीवियस बैचेस का यहां पे एक्सेस नहीं मिलेगा, इनका एक ही बैच है और इस बैच में ही आपको जो पढ़ाएंगे वो आपको यहां पे पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे ओवरऑल जो है आप लोग यहां पे समझ चुके होंगे कि कौन सा बैचेस यहां पर आपके लिए बेस्ट है। मैं अगेन आपको लास्ट में कहूंगा, मैं यहां पर बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये बैचेस जो है इसमें आप लोग चले जाइए या फिर ये बैचेस में चले जाइए, टोटली आपको देखना है, टोटली आपको देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मैंने आई होप आपको जो है इतना तो क्लियर कर दिया कि आपके लिए क्या बेस्ट है, मैंने पूरा कंपैरिजन आपके सामने रख दिया। और एक बार मैं आपको कहूंगा तो इसको जो है मैं यहां पे बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर रहा हूं, तो यहां पे शॉर्ट में आप लोग एक बार जो है फिर से देख लीजिए दोनों बैचेस में किस किस तरीके से चीजें मिलती है, तो आप लोग जो है अपने अकॉर्डिंग जो है यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे उसमें आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया इन दोनों बैचेस में क्या क्या चीजें मिल रही है, किस तरीके से चीजें मिलने वाली है, अब आप लोग इतना तो समझ ही चुके
होंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट बैच है, तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग बताइएगा आपके लिए कौन सा बेस्ट आपको लगा और आप जो है किस बैच के हिस्सा बनना चाहेंगे, ये ऑलरेडी बन चुके हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए वीडियो में। इसी तरह से आपको और भी वीडियोस चाहिए अलग अलग बैचेस के कंपैरिजन का, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपके लिए कंपेयर कर दूंगा।